नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और इस पे आप कक्षा 6 का NCERT पैटर्न पे आधारित बिहार बोर्ड के क्लास 6 का मैथ्स पढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से संख्या रेखा पर व्यवकलन यानी घटाव को करते हैं। कोई सा संख्या अगर हमको घटाना होता है तो हम उसको जब घटाते हैं तो घटाने के बाद जो मेरे पास शेष होता है, सपोज 9-6=3 बोलते, तो आखिर ये किस प्रोसेस पे होता है, कैसे होता है। इससे पहले हम लोगों ने टाइम लाइन पे पूर्ण संख्याओं को समझा है, इससे पहले हम लोगों ने टाइम लाइन पे योग जोड़ करने के लिए सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से घटाव किया जाए। घटाव को ही व्यवकलन बोला जाता है। तो अगर इससे पहले के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, कक्षा 6 का जो मैथ का प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ऐड किस तरह से किया जाता है। ऐड हम जब भी करते हैं तो बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, और जब हम व्यवकलन करेंगे घटाव करेंगे तो हम दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे। तो सपोज अगर हम अभी आपको कह रहे थे कि 9-6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, मगर ये आता कैसे है इसको टाइम लाइन पे समझना है। ये जो 9 है, इस 9 में से 6 इकाई को लेस किया गया, तो ये 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 6 इकाई, सॉरी 5 इकाई और फिर ये 6 इकाई। ये जो 6 इकाई किस पे आया, 9 से 3 पे आ गया, ये हमारा आंसर कितना हो गया, 3। यानी 0 से लेके 9 टाइम लाइन पे जब हम 6 यूनिट को लेस कर दिए तो हमारे पास कितना बच गया, 3 यूनिट्स बच गया, यही तो हमारा आंसर है। ठीक इसी तरह से आपके बुक में दिया हुआ है 8 में से 5 को लेस करने के लिए, 8 में से 5 को लेस करने के लिए कहा गया है, सब्ट्रैक्ट करने कहा गया है, व्यवकलन करने कहा गया है 8 में से 5 को। तो 8 से हमको 5 इकाई लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। 8 में से जब हम 5 इकाई को लेस किए तो हम कहां आ गए, 3 पे। तो 8-5=2 क्या हो गया, 3। ये हमारा आंसर हो गया। हम किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को अगर टाइम लाइन पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे। सपोज कहते हैं ये 15 है, इस 15 में हमको 12 लेस करना है तो हमारे पास कितना आएगा, इस 12 को लेस करने के लिए इस 15 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 कहां पे आ गया, 3 के टाइम लाइन पे आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 3 आ गया। जब हम 15 में 12 को लेस किए तो हमारे पास कितना बच गया, 3 इकाई बच गया, 1, 2 और 3, ये 3 इकाई ही मेरे पास बचता है अगर हम इसको इस टाइम लाइन पे, इस संख्या रेखा पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका व्यवकलन करते हैं, इसको घटाते हैं। किसी भी संख्या को आप घटा सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी आप इस तरह से घटा सकते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। यह सिर्फ आपको समझने के लिए है कि किस तरह से संख्या घटती है। जब घटाते हैं तो हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं, और जब हम ऐड करते हैं तो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। ये आपको याद रखना है। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उस समय भी हम आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, विषयों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, या फिर वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट्स करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप YouTube में सर्च करेंगे तो इजी वे में हमारा चैनल आपको मिल जाएगा।
तो वहां से भी जाके आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इस 6 क्लास का भी इंग्लिश वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते बस एक लाइक जरूर देना है। धन्यवाद।